यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मनीष को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस बार मनीष का नया पता बेऊर जेल होगा। जी हाँ, मनीष कश्यप को अब बेऊर जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को विशेष कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इधर तमिलनाडु पुलिस भी मनीष को लेकर काफी सख्ती बरत रही है और मनीष कश्यप को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। इसको लेकर पुलिस टीम की तरफ से कोर्ट में अपील भी की गई। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मनीष ने 18 मार्च को बेतिया के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के पहले मनीष ने अपने ट्विटर अकाउंट से मां के साथ एक वीडियो शेयर किया था। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रही है। फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को ईओयू रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पहले एक दिन और फिर बाद में 4 दिन की रिमांड मिली थी। आर्थिक अपराध की टीम ने 26 मार्च को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के महेश नगर में छापेमारी की। इसके पहले मनीष के दोस्त नागेश को पुलिस ने उठाया था। अब उसके दोस्त मणि द्विवेदी की तलाश कर रही है। महेश नगर के एक अपार्टमेंट में मनीष अपने दोस्त मणि द्विवेदी के साथ रहता था। जब भी पटना आता था मनीष तो इसी फ्लैट में रहता था। इस फ्लैट की तलाशी ली गई। मणि द्विवेदी मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल का डायरेक्टर है। मनीष कश्यप के करीबी की गिरफ्तारी के बाद कई और ठोस साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि ईओयू के अधिकारी इस केस से जुड़े मसलों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ईओयू को मनीष कश्यप के एक मोबाइल की तलाश है। कहा जा रहा है कि जिस मोबाइल की तलाश है उसी से वीडियो शूट किया गया था। इस मोबाइल से और भी कुछ जानकारियां मिल सकती है। मणि द्विवेदी के फ्लैट पर भी मोबाइल की तलाश की गई है, पर जांच एजेंसी की माने तो वहां से कोई मोबाइल उन्हें हाथ नहीं लगा। उसके बाद भी ईओयू की टीम ने मोबाइल की तलाश को जारी रखा।